सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में होगा ब्राह्मणों का महासम्मेलन। हम 30 तारीख को तिकोनिया पार्क में अपने भाई की हत्या में 23 सितंबर को ब्राह्मणों के आंसुओं से बहेगा तिकोनिया पार्क। मैं श्रद्धांजलि के बहाने इतने आंसू बहाएंगे तिकोनिया पार्क भर ना जाएगा। एसपी सोमेन वर्मा ने नहीं सुनी निशा त्रिपाठी की फरियाद। हमारे विधायक माननीय देवमणी जी ने कप्तान से कहा कि इसकी सुन लीजिए, तुरंत की बात है। इन्होंने कहा ऑफिस में सुनेंगे। भाजपाई नेता और कार्यकर्ता करेंगे डॉक्टर हत्याकांड में आंदोलन। आंदोलन कौन कर रहा है? वही कर रहा है जो आंदोलन करके इनको सत्ता में लाया। आंदोलन करने का दा पत्रकार क्या कर रहे हैं? इनको सरकार के दबाव में है। जितनी खबर आपने लगाई कई करोड़ नेता खर्च करता अपना होता। योगी के बाप की भाजपा नहीं, डॉक्टर महिमा शंकर द्विवेदी। योगी के बाप की उत्तर प्रदेश नहीं है। योगी भाजपा में किरायेदार है, डॉक्टर महिमा शंकर द्विवेदी। योगी के बाप की भाजपा नहीं है, योगी हमारे यहाँ किरायेदार है। भू माफिया अजय नारायण सिंह का नाम लेने से बचे डॉक्टर महिमा शंकर द्विवेदी। डॉक्टर साहब के साथ रो रही थी, एक नाम ले रही थी। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्या सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। कार्रवाई के नाम पर पुलिस और प्रशासन सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो वहीं लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूटने लगा है। मामला और भी गंभीर हो गया जब भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता डॉक्टर महिमा शंकर द्विवेदी के बयान देने से पार्टी में ही गुटबंदी दिखाई पड़ने लगी। पूर्व भाजपा प्रवक्ता ने डॉक्टर त्रिपाठी हत्याकांड पर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी को किरायेदार तक कह डाला। यह नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, योगी के बाप की भाजपा नहीं है, योगी हमारे यहाँ किरायेदार है। हम मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी मेरे बाप की है। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा पर संवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए कहा, अगर पत्रकारों द्वारा ये मुद्दा ना उठाया गया होता तो एसपी सोमेन वर्मा ने इसको दुर्घटना का रूप देने के लिए पूरा मन बना लिए थे, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। एक श्रेय देंगे अपने माननीय पत्रकार बंधुओं का, ये जागरूक न होते ये हत्या दुर्घटना दिखा के पुलिस अधीक्षक महोदय तय कर लिए थे। इनके बयान आ गए थे कि यह संदिग्ध चोट है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर महिमा शंकर द्विवेदी ने कहा कि भाजपा आंदोलन से सत्ता में आई है और डॉक्टर त्रिपाठी की श्रद्धांजलि सभा में ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी गूंज राजधानी में बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनाई देगी। योगी कुछ है नहीं, योगी को हमने चुना बहुमत दल का नेता बना के, उनपे एहसान किया, हम उनके आदमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ प्रधान सपा हमने लिखा था, जलता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से निशंस हत्याएं हो रही हैं, हम मान लेंगे सरकार नहीं है। इसमें ये देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, किसी आदमी के होते आंदोलन न करते। और बता दें, सरकार को आप खराब कह सकते हैं, कार्यकर्ता राकेश जी हैं। आंदोलन कौन कर रहा है? वही कर रहा है जो आंदोलन करके इनको सत्ता में लाया। आंदोलन करने का दा पत्रकार क्या कर रहे हैं? इनको सरकार के दबाव में है। जितनी खबर आपने लगाई कई करोड़ नेता खर्च करता अपना होता। आप लोग जूझ रहे हो क्यों? दर्द है, भाई की हत्या है। हम 30 तारीख को तिकोनिया पार्क में अपने भाई की हत्या में श्रद्धांजलि के बहाने इतने आंसू बहाएंगे तिकोनिया पार्क भर ना जाएगा। और बता दें, न्याय बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। अच्छा, इससे क्या लगता है कि भाजपा पर फर्क पड़ेगा कहीं? अरे भाजपा यार मरे। नहीं, 30 सितंबर को जिले के तिकोनिया पार्क में सभी जाति और संप्रदाय के लोगों को डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की श्रद्धांजलि सभा में एकत्र होने का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी पार्टियों के पदाधिकारी और नेता शामिल होकर जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ आंदोलन करेंगे और डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार से मांग करेंगे। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए अफजल अहमद के साथ नफीस खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।